अस्सलाम वालेकुम, असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं आपको, जैसा कि मेरा टेबल जो है रंग बिरंगी सब्जियों से और हरी मिर्चें, बेसन, दही, इससे सजा हुआ है, मैं आज आपको वेजिटेबल कढ़ी बनाना सिखा रही हूँ। वेजिटेबल पकौड़ा कढ़ी बनाएंगे आज हम। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनती है वेजिटेबल पकौड़ा कढ़ी। के लिए पहले हम पकौड़ों का सामान बताते हैं, हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है इसके लिए। एक अदद मैंने बारीक कटा हुआ प्याज ले लिया, बिल्कुल बारीक स्लाइस में काट लिया। एक अदद शिमला मिर्च लिए, इसको भी मैंने लंबाई के रूप इस तरह काटा है। और एक अदद मैंने चाइनीज़ गाजर लिए, वो भी मैंने इस तरह ही काटी है। आलू एक अदद लिया है, वो भी इस तरह ही काटा है। हाफ गड्डी मैंने हरे धनिए के लिए और 6 से 7 अदद हरी मिर्चें बारीक कटी हुई लिए। 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 1 टीस्पून अनारदाना लिया है मैंने, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें लिए मैंने। ज़ीरा और साबुत लाल मिर्चें ये हम तड़के में डालने के लिए लेंगे, और हसबे ज़रूरत पानी लेंगे और हसबे ज़रूरत ऑयल लेंगे हम। पकौड़ों में शामिल करने के लिए मैंने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिए, 1/2 टीस्पून हल्दी लिए, 1/2 टीस्पून नमक लिए, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर लिया है। और सबसे पहले हम, ये पकौड़ों का सामान है ये हम साइड पे करते हैं, अब कढ़ी की तरफ आ जाते हैं। 1 kg के करीब मैंने दही लिया है, अच्छा दही है, ये मीठा दही नहीं है, खट्टा दही लिया है मैंने, 1 kg के करीब है। और 1 पाव के करीब मैंने बेसन लिया है। बेसन मैं 1/2 पकौड़ों में डालूंगी, 1/2 की कढ़ी बनाऊंगी मैं। साबुत हरी मिर्चें ली हैं, ये भी कढ़ी में शामिल करेंगे। हरा धनिया लिया है, ये भी कटा हुआ डालना है हमने। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टीस्पून नमक है। पहले कढ़ी का मसाला हम साइड पे कर लेते हैं, हम सबसे पहले पकौड़ों का मसाला बना लेते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डालनी है वो हम बना लेते हैं। इतना मैं बेसन डालूंगी, बस थोड़ा ही बेसन लेना है हमने पकौड़ों के लिए। प्याज शामिल करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने ये चाइनीज गाजरें मैंने इसमें शामिल कर दिए। अनारदाना डालते वक्त सबसे पहले हमें धुला हुआ अनारदाना धोना है, फिर हमने शामिल करना है, क्योंकि अनारदाना जो होता है बहुत ही गंदा मिट्टी होती है इसमें, साबुत धनिए के अंदर, अनारदाने में, जीरे में। ये बहुत ही टेस्टी मैं बनाने लगी हूँ वेजिटेबल पकौड़े, बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बहुत ही यम्मी है ये। ये शिमला मिर्च भी शामिल कर दी मैंने, हरी मिर्चें, हरा धनिया। अब ये मसाले जो मैंने रखे थे ये सारे पकौड़ों में जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसबे ज़रूरत पानी लेके इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है। हमने इसमें सब्जियां शामिल करी हैं, पानी हम हल्का हल्का सा इसमें शामिल करेंगे, ज़्यादा पानी शामिल नहीं करेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, इतने क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं ये कढ़ी के अंदर, इतने अच्छे लगते हैं ये। हमारा बेसन तैयार हो गया, ये हमने बेसन इसमें 1 kg का दही लिया था हमने, उसके अंदर मैंने बेसन डाला है, और ये बेसन मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और ये पकौड़ों का बेसन मैंने तैयार कर लिया है, इसे इसको मिक्स कर लेना है, दही को और बेसन को अच्छे तरीके से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में डाल के भी कर सकते हैं, मगर मैं ब्लेंडर नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही इसको मिक्स करूँगी, क्योंकि मेरा बेसन भी छना हुआ है और दही को भी मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है मैंने। मैंने प्याज जो काट के रखा था साइज में मैंने वो शामिल किया है, और हसबे ज़रूरत में इसके अंदर ऑयल शामिल करूँगी। बस ज़्यादा ऑयल नहीं शामिल करना, मैं हमने तड़का भी लगाना है कढ़ी को, बस थोड़ा सा ही डालना है कि आपका मसाला बन जाए अच्छी तरीके से। प्याज हमारा फ्राई हो गया, बस इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। अब इसके अंदर मैंने नमक 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला हम एंड में शामिल करेंगे जब कढ़ी हमारी तैयार हो जाएगी। मसाला हमारा भून गया अच्छे तरीके से, तरीका ये देखिए, अब पानी हमने थोड़ा सा शामिल किया इसमें। अब मैंने जो बेसन रखा हुआ हमने
बनाया था दही के अंदर डाल के, वो हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमान इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो क्या, जब तक कढ़ी हमारी पकने नहीं लगेगी हम इसको चमचा चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे से गाढ़ी ना हो जाए और ये जमने ना लगे। हम इसको चमचा चलाते रहेंगे, जब पकने लग जाएगी फिर हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे। हमने पकौड़ों के लिए आटा डाला है और दूसरे में ये देखें हमारी जो हमने कढ़ी रखी थी, कढ़ी पक रही है। अब कढ़ी पकने लग गई है, हम इसको हल्की आंच कर देंगे। कढ़ी पकने लग जाएगी, 1 से 2 घंटे तक ये अच्छे तरीके से पकेगी, फिर हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे। हमने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दी है इसकी, ये देखिए अब ये पकने लग गई है, ये देखिए दिखाती हूँ। वेजिटेबल पकौड़े जो हैं वो हम इसमें करने लगे हैं, फ्राई करने लगे हैं। देखिए ऑयल जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। बहुत ही मज़ेदार ये कढ़ी बनती है वेजिटेबल। आप लोगों ने बताना है मुझे क्या आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी है। पकौड़े कितने अच्छे हो गए, थोड़े से और क्रिस्पी होते हैं, हम इसको निकाल लेंगे। कच्चे पकौड़े हरगिज ना निकालें, उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। अच्छे तरीके से इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें, जब ये ब्राउन हो जाएं पकौड़े, ना ज़्यादा जले हुए निकालें ना ब्राउन से पकौड़े निकालें, ताकि क्रिस्पी हों और मज़े के भी लगें, अंदर से भी बेसन गला हुआ हो, अच्छे तरीके से पका हुआ हो बेसन। कढ़ी जो है कितनी अच्छी तरीके से पक रही है और बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है कढ़ी ये। जो इसके अंदर मैं ये जब हल्की आँच पर रखी हुई मैंने इसको, जब ये हो जाएगी तो फिर इसके अंदर पकौड़े शामिल करूँगी। में अब हम इसको निकाल के दूसरे डालेंगे। देखिए कितने अच्छे तरीके से हो गए हैं, बस अब हम इसको भी निकालेंगे। जो बाकी का सारा बेसन है वो भी हम इसी तरह निकाल लेंगे, फिर हम इसको तड़का भी लगाते हुए दिखाएंगे। देखिए कढ़ी जो है पक चुकी है बिल्कुल अच्छे तरीके से, अब हम इसके अंदर पकौड़े शामिल करेंगे। ये जो पकौड़े हमने तल के रखे हुए थे, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कढ़ी तैयार होने वाली होती है 5-10 मिनट रहते हैं उस वक्त पकौड़े शामिल करें, अगर पहले ही शामिल कर देंगे तो नरम हो जाएंगे पकौड़े और बहुत ही, ये देखें इसमें मैंने हरी मिर्चें साबुत जो रखी थी वो भी मैंने शामिल कर दी हैं। इसका तड़का हमने किस तरह लगाना है, इसकी मैं फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दूँगी। ये मैंने लाल साबुत लाल मिर्चें थी, ये जो मैंने आपको दिखाई थी ये मैंने शामिल करी है इसमें ऑयल में। एक फ्राई पैन में मैंने 1/2 कप के करीब ऑयल शामिल किया है। ये आखिरी में एंड में जो तड़का ही होता है कढ़ी को जो अच्छा लग जाए तो कढ़ी का टेस्ट और ज़्यादा दुबाला हो जाता है। ये कढ़ी पत्ते के चंद पत्ते थे, ये मैंने आपको बताना भूल गई थी कि कढ़ी पत्ता भी मैंने शामिल करना है, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया है। इसमें मैंने कढ़ी पत्ता भी शामिल किया है, ये देखिए ये जब लाल हो जाएगा, ये देखिए कितना अच्छे तरीके से हो रहा है और इसकी इतनी प्यारी खुशबू भी आ रही है। अब मैंने इसके अंदर सफ़ेद जीरा शामिल कर देना है और इसको भी अच्छे तरीके से लाल करना है। रेसिपी अच्छी लग रही है और मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये देखिए हो गया, अब हम इसको कढ़ी में शामिल कर देंगे। पक गई थी, हमने हरी मिर्चें भी शामिल कर दी। अब ये सारा सा कलर आया कढ़ी का, इतना अच्छी बनी है, इतने मज़ेदार और टेस्टी बनी है। अब इसके अंदर जो मैंने गरम मसाला पाउडर मैंने रखा था, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं एंड में 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला पाउडर डालूंगी, ये मैंने इसी में शामिल कर दिए। अब मैं इसको डिश कवर करती हूँ। ये देखिए मज़ेदार किस्म की हमारी वेजिटेबल कढ़ी तैयार है, पकौड़े वेजिटेबल पकौड़ों के साथ तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें
अपनी दुआओं में याद रखें। आप इस कढ़ी को नान के साथ भी खा सकते हैं, चपाती के साथ भी खा सकते हैं और चावल भी बॉईल करके खा सकते हैं। मैंने इसके साथ चावल बॉईल किए हैं बच्चों के लिए। अस्सलाम वालेकुम।